मदद करने में हो, चाहे उसको ट्रीटमेंट के लिए आगे आने के लिए कन्विंस करने की बात हो, मस्जिदों से ऐलान किए गए थे, बाकी धार्मिक संस्थाओं में कुछ लोगों ने खाने का बंदोबस्त किया था, कुछ लोगों ने बाकी लोगों के रहने का बंदोबस्त किया था। तो बहुत सारी चीज़ें हमने पिछली बार की है, वो सारे सबक हमारे सामने है कि हमको ये कोविड की लड़ाई ऐसी नहीं की प्रशासन या फिर महापालिका अपने स्तर पर ये लड़ाई लड़ सकती है, आप सब लोगों की बहुत मदद इसमें लगने वाली है। तो उसी तरीके से जो पहली बात मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब कोविड से बचने के लिए जो हमारे तौर तरीके रहने चाहिए वो वैसे जर्नी में आप देखेंगे तो काफ़ी कम लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। जैसे मास्क का हो गया तो बड़ी जगह या फिर बड़ी रोड के ऊपर पुलिस के या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग वहीं पर चालान काट रहे हैं, उसके डर से कोई मास्क डाल के चले जाते होंगे, लेकिन अदरवाइज मास्क का जो यूज़ है, मैं जैसे अंदर के एरिया में कभी विजिट करता हूँ दिखने आते हैं कि लोग मास्क भी लगाते हैं, आसपास के कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा, कोई शादी होगी तो उसे बिल्कुल भी इस चीज़ का फॉलो नहीं होता है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मास्क का यूज़ करना, उसमें आप लोगों की तरफ से मस्जिद में अगर ऐलान हो सकते हैं, आप लोगों की तरफ से धार्मिक सभा के अंदर आपके वीडियोज के थ्रू आपके किसी प्रचार में या फिर आपकी किसी सभा में आप अगर वो चीज़ उसको बता पाएं तो उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जितना इम्पैक्ट सरकार के बोलने से नहीं होता है लेकिन उतना इम्पैक्ट आप लोगों का जो वजन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपकी बात को लोग बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। तो आप लोगों से वही गुजारिश करूँगा सबसे पहले तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की भीड़ वाली जगह से एक तो बचना है लोगों को और मास्क हर कोई लगाते हैं, उससे पहले आप लोगों से कोई विनती और गुजारिश होगी मेरी। दूसरी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि पिछली बार मोहल्ला क्लिनिक पर हमने शुरू किए थे तो अभी दो जगह पर हमने मोहल्ला क्लिनिक कल शुरू किए, उसी तरीके से हम लोग कोशिश करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर हम हर वार्ड के अंदर हर कम्युनिटी हॉल के अंदर वापस से अगर मोहल्ला क्लिनिक शुरू करते हैं तो लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमारी कोई फिक्र करने वाला है या फिर हम अगर बीमार पड़ते हैं तो किसको दिखा सकते हैं। पिछली बार की कंपेरिजन हमारी तैयारी अच्छी है कि अब सारे हॉस्पिटल्स हैं वो शुरू है, कोई हॉस्पिटल बंद नहीं है, हमारे कोविड के सेंटर हम वापस शुरू करने वाले हैं, वो मसले पिछली बार वाले नहीं आएंगे, एम्बुलेंस की अवेलेबिलिटी है वो सब उसमें कॉन्फिडेंस करेगा। बट मोहल्ला क्लिनिक और लोगों को जिनको सिस्टम है वो जल्दी बाहर आए, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि जिस टाइम मैंने जून या जुलाई में जिस टाइम ज्वाइन किया था उस टाइम पे खबरें न्यूज थ्रू में ऐसे आती कि लोगों को दफनाने के लिए शमशान में जगह नहीं है, या फिर आप लोगों की तरफ से पिछली बार रिक्वेस्ट आई थी कि हाँ यहाँ एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।